गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसे हमने कंप्लीट करा था। आज हम अपना जो न्यू चैप्टर है रैशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स, तो इनमें बच्चों हम नंबर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नंबर्स के बारे में। तो जल्दी से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं नंबर्स को, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी नंबर्स को डिस्कस करा था। तो बच्चों, हमारा पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर को बच्चों हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आगे इससे जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे बच्चों? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। नाउ होल नंबर। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर्स भी होते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, जैसे माइनस का कोई भी आप नंबर ले लें, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 व्हाटएवर, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, इट मीन्स पॉजिटिव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये सारे जो नंबर्स होंगे इनको हम बोलेंगे इंटीजर्स। ओके, अंडरस्टूड? तो ये हमारे तीन नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में हमने डिस्कस करा। नाउ रैशनल नंबर्स, जैसा कि हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? और रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट डाउन कर सके, जहां पर पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए बच्चों? इंटीजर्स होने चाहिए। अभी हमने स्टडी करा था इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव वाले नंबर्स चाहे वो नेगेटिव वाले नंबर्स। इट मीन्स जो पी और क्यू है ये क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। बट हेयर इज वन मोर कंडीशन, दैट इज क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। जो क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वी कैन से कि व्हेन एनी नंबर विल बी इन अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो दैट टाइम वी कैन से दैट नंबर इज रैशनल नंबर। जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, आपको इस डायग्राम को मैं सेंटर में कर देता हूँ। डायग्राम आप देखिए, आपकी बुक में भी है डायग्राम, तो यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। तो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे नंबर होल नंबर होते हैं। अगला आता है इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर है वो सारे इंटीजर्स होते हैं। अगला आता है रैशनल नंबर। इट मीन्स ये तीनों नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर के अंडर में ही आएंगे। ओके, इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीजर आर रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ मैथ फैक्ट। यहाँ पर मैथ फैक्ट के बारे में बताए, मैथ्स का एक फैक्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर एन कैन बी रिटर्न फॉर्म ऑफ एन अपॉन वन। मतलब कोई भी जो नेचुरल नंबर होगा वो सारे नंबर क्या होंगे बच्चों? रैशनल नंबर होंगे। ओके, जैसा कि आपको मैंने अभी भी डिस्कस यहाँ पर करा था, सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स जो हैं वो क्या होंगे बच्चों? रैशनल नंबर होंगे। अगला आता है रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइंस। जो रैशनल नंबर है उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एवरी रैशनल नंबर हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो उन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आप अपने बुक के अंदर देखेंगे, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जल्दी से एक बार हम इसके ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 53 पर, द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट ईच यूनिट डिस्टेंट इज डिवाइडेड। द पॉइंट टू बी राइट ऑफ जीरो रिप्रेजेंट पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। नाउ एंड टू बी द लेफ्ट देयर अपोजिट, दैट इज नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इट मीन्स जो ये जीरो है, जो आपके बुक में आपको जीरो दिख रहा है, ये इस जीरो से
ये जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, जीरो से जो राइट हैंड साइड में है ये सारे पॉजिटिव होंगे, और जीरो से जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में है ये सारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से एक बार और हम रैशनल नंबर और नंबर लाइन के बारे में, जो अरैशनल नंबर लाइन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अरैशनल नंबर लाइन इज वन ऑफ हूज पॉइंट आर एसोसिएटेड विद द रैशनल नंबर्स। ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन इज एसोसिएटेड विद अ रैशनल नंबर एंड ईच नंबर इज एसोसिएटेड विद अ पॉइंट ऑन द लाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर है, चाहे वो हम बात करें माइनस टू अपॉन फोर की, टू अपॉन फोर की, फोर अपॉन फोर की, सेवन अपॉन फोर की एंड थर्टीन अपॉन फोर, ये सारे नंबर्स जो रिप्रेजेंट करे गए हैं ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स हैं। ओके, अंडरस्टूड? नाउ ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, ये भी हम अपने बुक एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, हमारी जो एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस उसके अंदर हम करेंगे। नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जल्दी से इसके ऊपर भी एक बार हम नजर डालते हैं। आर रैशनल नंबर इज पॉजिटिव इफ बोथ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों न्यूमिनेटर, और जो डाउन वाली वैल्यू होती है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। इट मीन्स आर रैशनल नंबर इज पॉजिटिव इफ बोथ इज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों ही, या तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों ही या नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। आपको दिख रहा है ये दोनों पॉजिटिव है और यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव है, दैट टाइम वी कैन से दैट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, एंड नेगेटिव इफ आइदर इट इज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही नेगेटिव को जब देखते हैं या तो हमारा नेगेटिव सॉरी न्यूमिनेटर नेगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव, इट मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव होगा तो दैट विल बी नेगेटिव रैशनल नंबर, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, जब दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो दैट विल कॉल्ड पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगला आता है बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं एज द केस ऑफ इंटीजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर इज इट पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जब हमें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है तो वो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा। ओके, नाउ एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, यहाँ पर रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है उसको आप रीड कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैशनल नंबर का वो हम जो रैशनल नंबर्स जैसे कि 12 अपॉन माइनस 18 है तो ये और भी लोवेस्ट फॉर्म में, हमने लोवेस्ट फॉर्म करना अपने जो अर्लियर चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमने स्टडी करा है, जो फर्स्ट चैप्टर है आई थिंक सो कि उसके अंदर हमने स्टडी करा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको लोवेस्ट फॉर्म में, इट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस करा था, तो वही जो है सेम एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 1/2 और 2/4, जब मैं 2/4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा दैट विल ऑल्सो रिटर्न एज 1/2, ऐसे ही 4/8 को जब मैं क्या करता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म करता हूँ तो उसका भी 1/2 ही आंसर आएगा, इट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ओके, तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर नंबर 3 का। हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो इसकी सेल्फ प्रैक्टिस 3A है उसको हम करेंगे, तो इसका एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ रैशनल नंबर, हमें बताना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो पहला वाला रैशनल नंबर होगा बच्चों, यस, बिकॉज इट इज रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर q not is equal to 0 है, that means we can say it is rational number। ऐसे ये भी rational number होगा, ये भी rational number होगा, ये rational number नहीं होगा, ये whole number है 0, ये भी rational number होगा, ये rational number होगा, because यहाँ पर numerator 0, it means p 0 है, q 0 नहीं है। okay, तो so it is also rational number and ये rational number नहीं होगा और ये भी rational number नहीं होगा। इसमें आपको yes और no में answer देना था, बहुत easy question है। और जो सेकंड वाला एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसको आप क्या करेंगे, वन प्लेस कर देंगे,
मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ही 8 है तो 8 के अपॉन में 1 लगा देंगे, 4 के अपॉन में 1 तो ये हो जाएगा 5 2 10 1 11 अपॉन 5 हो जाएगा, एंड 7 2 14 और इसको आप प्लस सॉल्व कर लीजिएगा, 14 में प्लस 3 करेंगे तो वो आपका 3 माइनस होकर यहाँ पर माइनस में आ जाएगा और ये आपका नहीं होगा। इसके अपॉन में आप कुछ भी नहीं प्लेस कर सकते हैं, ये 1 प्लेस कर सकते हैं आप यहाँ पर, ओके। तो ये हमारा फॉर्म चेंज हो जाएगा, ओके। तो हमने आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करा, एंड देन आफ्टर हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करा। तो आप इंट्रोडक्शन को एक बार ढंग से स्टडी कर लीजिएगा, एंड इसके जो 5 एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को आप अपने रफ नोटबुक में सॉल्व कर लेंगे, ओके। दैट इज़ द होमवर्क ऑफ टुडेज क्लास। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ अवर बुक एक्सरसाइज, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet again in our next class.